आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि देश में धीरे धीरे कोरोना की रफ्तार थम रही है। साथ ही आपको बता दें कि देश में 24 घंटे में 84,332 नए मामले सामने आए और एक दिन में 4,002 मरीजों ने दम तोड़ दिया और एक दिन में 1,22,592 मरीज जो हैं वो रिकवर हुए हैं, स्वस्थ होकर अपने घर गए हैं। और देश में अब 10,76,736 एक्टिव केस मौजूद हैं। साथ ही अब तक 2,93,58,514 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं और अब तक 3,67,106 मरीजों की मौत कोरोना की वजह से हो चुकी है। तो वहीं अब तक 2,79,03,214 लोग ठीक हो चुके हैं और वैक्सीन की 24,96,304 डोज लगाई गई है। देश में 37,62,32,162 टेस्ट अभी तक हुए हैं। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कि जिस तरीके से लगातार दूसरी लहर का कहर हम देश में देख रहे थे, तो वहीं अब दूसरी लहर का कहर जो है वो देश में कम होने लगा है। आपको बता दें कि लगातार अब 1,00,000 से कम मामले जो है देश में सामने आ रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर ठीक होने वाले जो मरीज हैं वो अधिक हैं नए मरीजों के मुकाबले में। अगर बात एक्टिव केस की जाए तो दिन प्रतिदिन एक्टिव केस के मामले जो हैं वो कम होने लगे हैं। एक बार फिर से स्थितियां काबू में होने लगी हैं और आपको बता दें कि दूसरी लहर का जो कहर था वो अब कम हो गया है पूरे देश में। जिस तरीके से हमने दूसरी लहर में देखा पूरे देश भर में ऑक्सीजन की कमी, वेंटिलेटर की कमी, बेड की कमी, ऑक्सीजन बेड की कमी, कोविड सेंटर्स जो थे वो पूरी तरीके से भरे हुए थे, इन तमाम चीजों की कमी देखी गई, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हमने चरमराती हुई देखी, घुटने टेकती हुई देखी, लेकिन अब स्थितियां एक बार फिर से काबू में है। तो आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि अगर बात प्रदेश की करें तो प्रदेश में भी कोरोना के आंकड़े जो है वो कम होने लगे हैं। हरियाणा में भी कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लगा है। एक दिन में 463 नए मामले हरियाणा में सामने आए हैं और 24 घंटे में 43 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। तो वहीं अगर आपको बता दें कि एक दिन में 1,036 मरीज जो है वो रिकवर हुए हैं और प्रदेश में कोरोना के 5,749 एक्टिव केस मौजूद हैं और अब तक 7,65,096 लोग कोरोना से प्रदेश में संक्रमित हो चुके हैं और कोरोना से अब तक 8,904 मरीजों की मौत प्रदेश में हो चुकी है और कुल अब तक 443 मरीज रिकवर हुए हैं और प्रदेश में 65,50,000 वैक्सीन जो है वो लगाई गई है और अब तक 94,70,000 टेस्ट प्रदेश भर में किए गए हैं। तो अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि प्रदेश में भी हरियाणा में भी कोरोना के आंकड़े जो हैं वो कम होने लगे हैं, स्थितियां जो हैं वो काबू होने लगी हैं और आपको बता दें कि स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जो है एक बार फिर से सुचारू रूप से काम करने लगी हैं और अब जो है दूसरी लहर का कहर सीधे तौर पर प्रदेश में भी कम होने लगा है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं जो इस वक्त सामने आ रही है। तो आपको बता दें कि अब तक 7,65,000 से अधिक मरीज जो है संक्रमित हुए हैं कोरोना से और आपको बता दें कि 7,50,443 मरीज जो हैं वो प्रदेश में रिकवर हुए हैं कोरोना से और 65,50,000 वैक्सीन लगाई गई और टेस्ट जो है 94,00,000 से अधिक प्रदेश भर में किए गए हैं।